भाई सामने की ओर जो है हम अभी चने चोले देखकर आए। कैसे हो आप लोग? हम तो मजे में हैं। हम कर रहे थे पढ़ाई पढ़ाई क्योंकि उसके बिना जीवन अधूरा है। सत्य वचन है ना, अभ्यासम इज द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ। दरवाजे पे रखते थे क्योंकि मेरा ये जो ऐसा वो क्या बोलते हैं सब, एक सरप्राइज क्या है, चनिया चोली लेके आए है ना। देखा मेरा यस, देखा ओपन ओपन क्योंकि पापा शर्त हार गए थे। पापा ने बोला कि हमने चार पांच चनिया चोली ले लिए है, भरोसा नहीं है। ना ना भरोसा नहीं है, चल अभी नहीं ना। मुझे ऐसा ही लगता है कि पहले बहुत मस्त है यार। ऐसा हमारे पास ऐसा ब्लैक चने चोली था नहीं। अरे हम दोनों के लिए नहीं, सेम साइज, थोड़े से थोड़ा मोटा कपड़े का फर्क है लेकिन चलता है। और अभी 10-9 बाकी है ना, तो खरीदने के बस तेरी के नौवीं रात को हम जाएंगे। अच्छा, तेरी एग्जाम खत्म होने के बाद। लेकिन ऐसा एक दिन में नौ नहीं, हर हफ्ते ऐसे जाने का दो लेके आने का। तीन कहाँ जाना है वो ऐसा है, तो लेके आते ना इसके लिए इसका वर्क और ये सब देख। वही तो मैं समझती हूँ, ये चनिया चोली का बैंगल्स से पूरा डिजाइन किया है। देख, आई कैन अंडरस्टैंड। वाओ, बस ये मैं एक बार ऐसे कूद का मारूंगी ना कि उतर जाएगा तो बैंगल्स। फिर मम्मी मेरे चनिया चोली की वाट लगाने वाली है। मुझे पता है कि इससे पहले ये जितने भी है ना ये वाले ये सब निकाल देगी ये वाली। मुझे ऐसा ही लगा तो मैं एक्चुअली आपको ऐसा लगा होगा ना, मैं पता है खड़ी खड़ी सोच रही थी लू ना लू क्या करूं। तो मैं तब यही सोच रही थी कि जब ये वृष्टि पहनेगी तब उसके बाद क्या मैं ये पहन पाऊंगी। पहले मम्मी पहनेगी उसके बाद मैं मैडम एक बार में इसका जैसे कृष्ण नहीं करना है। हाँ अभी तो क्या ये तो कर ही देगी, फिर चुपचाप ऐसे रहेगी, जवाब पूछोगी ये कैसे तोड़ा। ओके प्लीज, मैंने क्या किया यार। अरे? ये तो अपने आप हो गया, खेलते खेलते थोड़ी पता चलता है कि कहाँ जा रहा है। ऐसा है वृष्टि, अभी बोल दिया तो मैं क्या बोलूं।